असलम एवरी वन कैसे हैं आप सब आई होप सब ठीक होंगे तो आज का जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी इवनिंग रूटीन कुछ ऐसी आदत जो हमारी जो है ना इवनिंग टाइम बच्चों के साथ अच्छी तरह से हम स्पेंड कर सकते हैं तो मेरा होता है ना कि मैं दिन के टाइम हंडी वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि शाम के टाइम जो है ना बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है स्कूल से आके बच्चे थोड़ी देर जो है ना लिविंग रूम में खेलते हैं फिर मैं उनको सुला देती हूँ क्योंकि सुबह छः बजे उठते हैं और फिर रात को भी उनकी नींद पूरी नहीं होती तकरीबन ग्यारह हो जाते हैं सोते सोते और दिन रात बहुत छोटी हो गई है और दिन जो है ना वो लंबे तो हम दिन को रेस्ट कर सकते हैं नींद भी पूरी कर सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए मैं भी उनके साथ सो जाती हूँ मेरी ट्राई होती है कि उनके आने से पहले सारे काम जो है ना फिनिश कर लूँ और फिर उनके साथ जो है ना टाइम स्पेंड कर लूँ तो इतना ज़्यादा वो जो है ना मेस क्रिएट कर देते हैं इतना गंद फैला देते हैं ना जब ज़ाहिर लिविंग रूम में ही वो खिलते हैं तो फिर जो है ना मैं उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ खेलने के लिए और रैपर जब उनका दिल करे डस्टबिन में डाल देते हैं ना दिल करे तो फिर वो फेंक देते हैं तो इस मामले में जो है ना बहुत सख्ती भी होती है इतनी ज़्यादा भी नहीं बस सख्ती करती हूँ कि वो हर चीज़ जो है ना डस्टबिन में फेंके उससे जो है ना हम भी इज़ी रहते हैं और बच्चों को भी अच्छी हैबिट्स आती हैं तो लिविंग रूम साफ़ करके यहाँ पे हम जो है ना दिन के टाइम सोए थे तो फिर मैंने कहा इसको भी साफ़ सुथरा करके ना थोड़ी सी नमाज़ की जगह भी बना लूँ मेरी जो है ना रूम की सेटिंग चेंज होती रहती है थोड़े दिनों के बाद और हो जाती है थोड़े दिनों के बाद और हो जाती है तो इस तरह से मैं जो है ना सेटिंग कर ली रूम की भी और फिर किचन में आ गई और किचन को भी जो है ना इस तरह से फैल गया था क्योंकि मुझे काम जो है ना बैठ के करना पड़ता है फिर हर चीज़ को जो है ना मैं फ़िक्स नहीं कर सकती तो अभी जो है ना थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी और सारा कुछ फ़िक्स किया अच्छा यहाँ पे ना मैंने नमाज के लिए जगह बनाई और यहाँ पे साइड टेबल रखा साइड टेबल के ऊपर जो है नमाज रखी और यहाँ पे सजदा करने के लिए तो इस तरह से मैं इजीली जो है ना सजदा कर सकूँगी उसके बाद ये नमाज की चादर है अच्छा मैं ना नस्टा पे देखती हूँ बहुत सी नए डिज़ाइन आए हैं नमाज की चादर के पर मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरे दादा लेकर आए थे सोदिया से अब वो इस दुनिया में नहीं है और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं इसमें नमाज़ पढ़ती हूँ तो उनको भी जो है ना वो कहते हैं ना सदका जारिया आपकी औलाद जो आपके लिए सदका जारिया होती है तो मुझे ऐसा कुछ फील होता है ना तो मैं बस इसी चादर में नमाज़ पढ़ती हूँ तो हजत भी इसी में पढ़ती हूँ इसको नहीं मैं छोड़ सकती बहुत पुरानी आई थिंक सो इसको चौदह पंद्रह साल हो गए हैं पहले मेरी मामा के पास थी तो फिर उनसे मैं ले आई डिनर था ना तो डिनर में मैंने चिकन और कद्दू बनाए थे और साथ ही ना पास्ता भी बना लिया था बच्चों के लिए साथ ड्रिंक भी रख ली थी और फिर बैठ के हमने खाया साथ ही बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे बैठे बैठे ही और उसके बाद जो है ना बच्चों को दूध वगैरह दिया और इनके कपड़े वगैरह चेंज किए बस यही मेरी जो है ना रूटीन थी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं अच्छा ये टाइम होता है ना बच्चों के साथ साथ थोड़ी सी हम मस्ती करते हैं और खेलते हैं बातें वगैरह करते हैं स्टोरीज शेयर करते हैं और फिर सो जाते हैं अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दें शेयर कर दें और कमेंट भी क्या करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ आपको चाहिए व्लॉग में तो इनशाला उस चीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें थैंक यू